मैं हूँ श्रीति। आज मैं आपको अपने वंडरिंग ट्यूब प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसे जेब्रिना भी कहते हैं। ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और इसकी जो पत्तियाँ हैं देखिए सिल्वर लाइन जैसी होती है, इनमें काफ़ी चमक होती है। अभी तो ये पर्पल कलर में है क्योंकि इनको मैं सुबह का 1 घंटे का धूप लगने देती हूँ, और आप इनको छाँव में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ वो काफ़ी ग्रीन हो जाती हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। इसकी ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फैलने वाला प्लांट है। मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए ये हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी फैला हुआ है, तो आप सोचिए जब आप इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो ये कितना फैलेगा। ग्राउंड कवर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं, और इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डिस्पोजल ली हूँ और इस पर पहले से ही 2 छेद कर दी हूँ ताकि जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो पानी जो आसानी से निकल जाएगा। और ये नारियल का रेशा है, इसको मैं अच्छे से अंदर घुसा दूँगी ताकि जब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी तो मिट्टी जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी। आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से अंदर घुसा दी हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं बालू ली हूँ और यहाँ पर मैं मिट्टी ली हूँ, बालू और मिट्टी दोनों को मैं बराबर मात्रा में ली हूँ। तो चलिए अच्छे से इसको मैं मिला देती हूँ। आप चाहें तो इसकी जो कटिंग है उसको केवल बालू में भी लगा सकते हैं, वो आसानी से लग जाती है। और इसकी जो मिट्टी है उसको मैं अच्छे से दबा दूंगी। मैं तो हमेशा कटिंग को लगाने के लिए डिस्पोजल का यूज़ करती हूँ। यदि आपके पास डिस्पोजल नहीं है तो आप किसी पॉली बैग में लगा सकते हैं या किसी कंटेनर में लगा सकते हैं। अब किसी टूल्स के जरिए यहाँ पर मैं 2 गड्ढे करूँगी ताकि ये जो कटिंग है उसको घुसाने में आसानी हो जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं। और इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको भी मैं हटा दूंगी इस तरीके से। देखिए आप जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो उसकी पत्तियों को पहले हटा दीजिएगा। क्या होता है पत्ती हटाने से वो आसानी से अंदर घुस जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये अंदर घुस गया। और जो छोटी वाली है उसकी भी पत्तियों को मैं हटा देती हूँ और उसको भी मैं अंदर घुसा दूंगी। और हल्के हाथों से थोड़ा सा मैं प्रेस करके इसकी साइड साइड में मैं मिट्टी डाल दूंगी। देखिए इस तरीके से मिट्टी डालकर मैं इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा हिलाकर सेट कर देती हूँ, और इधर भी थोड़ा सा मिट्टी में डाल देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं इसको दबाकर सेट कर देती हूँ। तो ये अब सेट हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर मैं पानी का स्प्रे कर दे रही हूँ। मेरे को इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना इसकी जो कटिंग है वो गल जाएगी। और इस पर मेरे को हमेशा इसी तरह मॉइस्चर बनाए रखना है, तो इसको मैं सेडी एरिया में रख दूंगी। और इसकी जो रूट है वो कब तक डेवलप होती है चलिए देखते हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ। तो 22 दिन हो चुके हैं और 22 दिन के बाद देखिए इन कटिंग्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैं 2 कटिंग लगाई थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी वाली की देखिए साइड से नए नए ब्रांचेस भी निकल रहे हैं और मेरे को रूट्स भी दिख रहे हैं। ये छोटी वाली के हैं या बड़ी वाली के हैं, तो चलिए देखते हैं। इसकी जो मिट्टी है इसको मैं हल्के हाथों से थोड़ा हल्का कर दूंगी ताकि मैं इनको निकाल सकूं। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें काफ़ी रूट्स निकल गई है आप देख सकते हैं, और इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चल रही है। अब आपको मैं दूसरी वाली जो है उसको भी निकाल कर दिखाती हूँ। इसकी जो रूट्स है काफ़ी अंदर तक चली गई है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं कितनी ज़्यादा निकल गई है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से चल रही है। इसे मैं धोकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं बहुत ही अच्छे से निकल गई है, और जो साइड से दिख रही थी वो इसी की ही रूट्स थी और काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जो पहले मैं निकाली थी उसे भी धोकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके भी जो रूट्स हैं वो निकल गए हैं मगर ये अभी छोटे हैं। तो आप तो देख ही रहे हैं इनको लगाना कितना आसान होता है कटिंग के जरिए, और इसके जो रूट्स हैं बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते हैं। और इनकी जो पत्तियां हैं जो अभी नई नई निकली है उस एरिया में रहने के कारण काफ़ी ग्रीन है। तो आप एक पौधे से कई पौधे लगा सकते हैं कटिंग के जरिए, तो आप भी इसे अपने घर में लगाइए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ओके बाय।